न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ पूजा शुक्ला। ये चलाते हैं आज के खबर की ओर। कोरोना काल में हर इंसान को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। फिल्म और टीवी एक्ट्रेस को भी इस कठिन वक्त से होकर गुजरना पड़ रहा है। कुछ ऐसे भी एक्टर्स रहे हैं जिन्हें इस दौरान तंगी और बदहाली का भी मुंह देखना पड़ा। इसी फेहरिस्त में एक ऐसे एक्टर भी हैं जिनकी जिंदगी ही पूरी तरह से बदल गई। टीवी सीरियल जोधा अकबर और ये है मोहब्बतें में काम कर चुके अभिनेता लोकेंद्र सिंह राजावत के साथ बहुत बुरा हो गया। लोकेंद्र सिंह राजावत को डायबिटीज की वजह से अपना एक पैर गंवाना पड़ा। जी हाँ, कोरोना काल के दौरान जब लोकेंद्र के पास काम की कमी आ गई थी तब उन्हें पैसों की दिक्कत का सामना करना पड़ा और इसी बीच डायबिटीज उनके शरीर में फैल गया। बोन मेरो से हार कर यह बीमारी शरीर के अलग अलग अंग में फैल रहा था। इसके इलाज के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि मैं तनाव में आ गया, मेरे पास बचने का यही उपाय था कि मुझे सरवाइव करने के लिए अपना पैर घुटनों तक काटना पड़ा। लोकेंद्र ने बताया कि काम ना मिलने और पैसों की किल्लत की वजह से स्ट्रेस हुआ और इस स्ट्रेस ने बीमारी को फैला दिया। उन्होंने बताया कि जब इसकी शुरुआत हुई तब उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया था। बता दें कि मुंबई के भक्ति वेदांत अस्पताल में लोकेंद्र का 5 घंटे तक ऑपरेशन चला था। यह है मोहब्बतें और जोधा अकबर के अलावा सीआईडी क्राइम पेट्रोल और रणबीर कपूर की जग्गा जासूस में भी लोकेंद्र नजर आ चुके। तो ये थे आज की खबर। इस तरह की और खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए एचएन न्यूज़।